के मित्र देश आर्मीनिया और उसके पड़ोसी देश अजरबैजान के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। दोनों देशों के बीच एक विवादित जगह को लेकर पिछले 30 सालों में दो बार बड़े युद्ध हो चुके हैं। साल 2023 में अजरबैजान ने आर्मीनिया को हराकर उस विवादित हिस्से पर कब्जा जमा लिया। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव भी चरम पर है। इसी बीच आर्मीनिया ने भारत के साथ हथियारों की एक बड़ी डील की है। इसके बाद अजरबैजान ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है और पाकिस्तान के लिए अपनी हमदर्दी का इजहार किया है। भारत में अजरबैजान के पूर्व राजदूत अशरफ शिकालियेव ने एक इंटरव्यू में कहा कि कश्मीर को लेकर हमारा रुख साफ है, हम इसमें पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, पिछले 30 सालों में कश्मीर पर अजरबैजान की स्थिति नहीं बदली, बिल्कुल नहीं बदली। ये वैसा ही है जैसे पहले थे। भारत और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहिए। यही हमारी स्थिति है। पिछले 3 दशकों में इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। इसके साथ ही साथ अशरफ ने पाकिस्तान को समर्थन करने की भी बात कही है। इससे पहले अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहाम अलीयेव ने साल 2020 में खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। अलीयेव ने उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान के साथ बैठक में कश्मीर मुद्दे पर उनको समर्थन दिया था। दावोस में इमरान खान के साथ बैठक में अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहाम अलीयेव ने उनको भरोसा दिलाया था कि कश्मीर मुद्दे पर उनका देश हमेशा ही पाकिस्तान के साथ है। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने तब कहा था, 21 जनवरी 2020 को दावोस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बैठक के दौरान अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहाम अलीयेव ने कहा कि अजरबैजान लगातार जम्मू और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। बता दें कि अजरबैजान की पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की से भी नज़दीकी लगातार बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ आर्मीनिया के साथ भारत के रिश्ते काफ़ी लंबे समय से रहे हैं। इन दिनों ये रिश्ता और मजबूत हो रहा है। साल 2020 से ही भारत की निजी और सरकारी कंपनियां आर्मीनिया को हथियारों का पता लगाने वाले रडार सिस्टम, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, गोला बारूद सहित हाई प्रोफाइल हथियार बेच रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आर्मीनिया भारत से युद्ध सामग्री और ड्रोन भी खरीद सकता है। कुछ महीनों पहले आर्मीनिया ने भारत और फ्रांस से हथियारों की बड़ी डील की थी। इस डील में एयर डिफेंस सिस्टम और बख्तरबंद वाहनों सहित अन्य हथियारों की खरीद शामिल है। इस डील को लेकर अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहाम अलीयेव भड़क गए थे। उन्होंने कहा था कि भारत और फ्रांस मिलकर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आर्मीनिया को भारत की हथियार सप्लाई पर भी अजरबैजान के पूर्व राजदूत अशरफ ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को आर्मीनिया को हथियार बेचने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। भारत के हथियार आर्मीनिया में विद्रोही ताकतों तक पहुंच रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र की शांति के लिए हानिकारक है। बता दें कि आर्मीनिया और अजरबैजान दशकों से नागोर्गो और काराबाख पर अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। साल 2020 में इस क्षेत्र को लेकर दुश्मनी बड़े संघर्ष में बदल गई और दोनों देशों की सेनाएं युद्ध के मैदान में उतर आईं। अजरबैजान को लड़ाई में आर्मीनिया पर जीत हासिल हुई और साल 2023 में उसने नागोर्नो काराबाख पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।